नमस्कार, मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज, 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में काफी ज्यादा बवाल बढ़ गया है। जिस तरीके से इमरान खान के समर्थकों ने पाकिस्तानी सेना पर हमला बोल दिया, पाकिस्तानी सेना पर मुख्यालय पर समर्थकों ने जमकर तोड़फोड़ की, पाकिस्तानी विमानों को नहीं बख्श रहे हैं, पाकिस्तानी सेना की गाड़ियां, पाकिस्तानी सेना की संपत्ति को आग के हवाले कर रहे हैं, पाकिस्तान में हालात बहुत ज्यादा बिगड़ सकते हैं। पाकिस्तानी सेना पर पब्लिक का ऐसा हमला कैसे खतरनाक संकेत दे रहा है, मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान में सेना की तरफ से किसी भी तरीके का एक्शन कैसे खूनी संघर्ष को बढ़ावा दे सकता है, पाकिस्तान को कैसे मार्शल लॉ की तरफ धकेल दिया जा सकता है, यह भी आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी ने पाकिस्तान का माहौल पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है। दोपहर में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में परिसर में जिस तरीके से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, हर कोई हैरान था, परेशान था। पाकिस्तानी रेंजर्स खिड़की का शीशा तोड़कर कमरे में दाखिल हुए, इमरान खान को धकेलते हुए रेंजर्स गाड़ी की तरफ बढ़ गए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर रेंजर्स किसी अज्ञात जगह पर ले गए और इसके बाद से ही पाकिस्तान में लगातार बवाल मचा हुआ है। इमरान खान के समर्थकों का गुस्सा इस वक्त सातवें आसमान पर है। समर्थक सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। पाकिस्तान के कई शहरों में हालात बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं। पाकिस्तान क्राइसिस का पूरा अपडेट भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। गिरफ्तारी की आशंका में इमरान खान की तैयारी कैसी थी, यह भी आपको समझाऊंगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की इमरान खान की नीति ने बहुत पहले ही ऐसा माहौल बना दिया था कि पाकिस्तान में बहुत पहले इमरान खान की गिरफ्तारी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बहुत पहले से ही शहबाज सरकार इमरान की गिरफ्तारी पर माहौल बनाती रही है, इमरान खान पर एक के बाद एक कानूनी केस करती रही है, डालती रही है, और अब तक इमरान खान पर 108 केस दर्ज हो चुके हैं। इस वक्त जिस केस के तहत इमरान खान पर कार्रवाई हुई है, गिरफ्तार हुए हैं, अलकादी ट्रस्ट से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। कैसे कुछ और केस पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुसीबत बढ़ा सकते हैं, सेना के साथ इमरान खान के टकराव ने हालात को इतना ज्यादा बिगाड़ दिया, वो भी आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गिरफ्तार हो गए, यह खबर पाकिस्तान से लेकर दुनिया भर में आग की तरह फैलती दिखाई। देखते देखते इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान समेत दुनिया भर की मीडिया की सुर्खियां बन गई। देखते देखते इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर सबसे बड़ी खबर बन गई और हर तरफ इमरान खान की गिरफ्तारी की चर्चा हो रही है, हर तरफ पाकिस्तान की राजनीति की चर्चा हो रही है। इमरान खान की गिरफ्तारी के मुद्दे पर पाकिस्तान की राजनीति में इस वक्त उबाल मचा हुआ है। पाकिस्तान का सत्ता पक्ष इसे सामान्य कानूनी प्रक्रिया बता रहा है। शहबाज सरकार इमरान खान की गिरफ्तारी के सियासी असर को बाखूबी समझती है और यही वजह है कि इस मसले पर पाकिस्तान की सत्ता फूक फूक कर कदम बढ़ा रही है, तो वही विपक्ष लगातार हमलावर है।
इमरान खान की पार्टी पीटीआई और गठबंधन के दूसरे दल, दूसरे नेता इस मसले पर हाइपर एक्टिव हो गए हैं। सबके सब इमरान खान की गिरफ्तारी को बड़ा मुद्दा बनाने में जुटे हैं और पार्टी कार्यकर्ता इमरान खान को मोबिलाइज किया जा रहा है। पाकिस्तान की सड़कों पर जोरदार तरीके से इस वक्त भी हंगामा देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान पीटीआई के पॉलिटिक्स पैटर्न के हिसाब से ही सब कुछ हुआ है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी को बड़ा मुद्दा बनाकर कई बार हंगामा कर चुकी है और इस बार तो सही में इमरान खान की गिरफ्तारी हो गई और पाकिस्तान में बवाल तो होना ही था। इमरान खान के समर्थकों की भावुक अपील मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी पर किस तरीके से पूरे पाकिस्तान में माहौल बनाया जा रहा है और उनके कार्यकर्ता नेता किस तरीके से इस वक्त सड़कों पर हैं, आप खुद सुनिए। वल्लाह कि इनकी इनकी जो है ना इनकी हुकूमत बचे, ये लोग खुद भी बचे, ये खुद देखेंगे कि इनका अमल क्या करेंगे। इंकलाब हम लाएंगे। इन लोगों ने हमारी रेड लाइन क्रॉस की है, हम इनके घरों में ये बिलावल हाउस नहीं बचेगा ना, इनके जो है इन लोगों ने जो अपने घर बनाए ना नाजायज घर, ये भी नहीं बचेंगे। इन लोगों की जिंदगी आजाद बनाएंगे हम। डर्टी हैरी, आज तुम्हें पता चलेगा, अवाम तुम्हें बताएगी। अवाम आज सारी ये देखो, लिबर्टी चौक में हम पहुंच चुके हैं। कोई किसी का इंतजार ना करे, हमारे लीडर को बालों से, हमारे लीडर को बालों से पकड़ के घसीटा गया है। मेरे लीडर को बालों से पकड़ के घसीटा गया। डर्टी हैरी, हम तुम्हें भी इसी तरह बालों से पकड़ के इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट परिसर में गिरफ्तार किया गया। इस पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजों की नाराजगी भी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। मामले के बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने गृह मंत्रालय के सचिव इस्लामाबाद के पुलिस चीफ को तलब किया और 15 मिनट के भीतर सभी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा। जस्टिस फारूक ने यहां तक कह दिया कि अगर पुलिस चीफ कोर्ट में पेश नहीं हुए 15 मिनट में तो हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यहां बुलाएंगे। जिस तरीके से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इमरान खान को लेकर पाकिस्तानी रेंजर्स ने कोर्ट रूम में गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान रेंजर्स खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हुए, फिर बड़े सुरक्षा घेरे में इमरान खान को लेकर बाहर निकल गए। पाकिस्तानी रेंजर्स की पूरी फौज इमरान खान को घेरकर आगे बढ़ रही। इमरान खान को जबरन पुलिस वैन में बिठाया गया और फिर पाकिस्तान के रेंजर्स का काफिला किसी अनजान लोकेशन की तरफ चला गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को जिस तरीके से अंजाम दिया गया वो कई बड़े सवाल खड़े करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरे मामले के एक चश्मदीद भी हैं। इमरान खान के वकील गौहर को सुनवाना चाहता हूं। जिस तरीके से इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है उस वक्त उनके वकील उनके साथ थे, उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद उनकी जुबानी सुनिए। दस्तखत करने के दो हमने रिट पिटीशन फाइल की हुई थी नैब से खिलाफ, जो अल-कादर यूनिवर्सिटी जिसमें हम कोर्ट में भी आए थे कि जी हमारे इंक्वायरी को कन्वर्ट कर दिया इन्वेस्टिगेशन में। जो दो रिट पिटीशन हमने फाइल कर दी उसका हो गया था जब खान साहब को बायोमेट्रिक के लिए अंदर लेके आए, तो जिस वक्त खान साहब अंदर हुए आए वो व्हील चेयर पर, रेंजर के सब लोगों ने सबसे पहले हाईकोर्ट का जो मेन गेट है उसको तोड़ा, उसके शीशे तोड़े, उसके बाद जो अंदर बायोमेट्रिक के लिए जगह होती है वो अंदर बायोमेट्रिक का सारा कुछ फाड़ के चले गए, तोड़ के गए, फिर उसका दरवाजा भी तोड़ लिया, फिर उसके शीशे भी तोड़ लिया और अंदर आया। मैं और बुखारी साहब इकट्ठे थे, हम तो उन्होंने डायरेक्टली पेपर स्प्रे की और शेल दी। खान साहब को उन्होंने वहां से उठाया, खान साहब को सर पे मारा है, खान साहब को लात मारी और उनकी व्हील चेयर, यस व्हील चेयर पड़ी अभी, व्हील चेयर पड़ी अभी, इधर से उन्होंने उठाया, उधर से उन्होंने उठाया, तशद्दुद किया बिल्कुल। मैंने देखा खान साहब को सर पे मारा, खान साहब को सर पे मारा है, सर पे वो जिसके पास गिरफ्तार करने वाले कौन थे, गिरफ्तार करने वाले सारे रेंजर वो उठा करके यहाँ से ले गए, उन्होंने सर पे मारा, सर पे मारा उन चीजों मारा जो हार्ड हो गए दूसरे वाले नहीं थे, उनको व्हील चेयर पैंक दिया और उसको लात पे मार दिया, मैं गिरा हूँ मैं उसे सर।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ पाकिस्तानी पुलिस का ऐसा बर्ताव क्यों? ये सवाल पाकिस्तान के इमरान खान के समर्थकों को परेशान कर रहा है। ऐसा क्या इमरजेंसी हो गई? क्या इमरान खान से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया शहबाज सरकार को ऐसे एक्शन का आदेश जारी करना पड़ा, या फिर सब कुछ सेना के इशारे पर किया गया? जिस तरीके से इमरान खान पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तानी सेना पर हमलावर है, क्या इमरान खान की गिरफ्तारी की वजह पाकिस्तानी सेना की नाराजगी बनी? तमाम ऐसे सवालों पर मंथन हो रहा है, तमाम सवालों पर पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त उबाल है। पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने इमरान खान की गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। इमरान खान की गिरफ्तारी अल कादिर ट्रस्ट के मामले में हुई है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, आखिर अल कादिर ट्रस्ट केस क्या है जिसको लेकर इतना ज्यादा बवाल मचा हुआ है? यह एक यूनिवर्सिटी से जुड़ा मामला है। इमरान खान पर आरोप है कि इमरान खान ने प्रधानमंत्री रहते हुए इसे गैरकानूनी तरीके से करोड़ों रुपए की जमीन मुहैया कराई। इसका खुलासा पाकिस्तान के सबसे अमीर शख्सियत मलिक रियाज ने किया था। मलिक रियाज ने आरोप लगाया था कि इमरान खान और उनकी पत्नी ने गिरफ्तारी का डर दिखाकर अरबों रुपए की जमीन अपने नाम करा ली, और बाद में रियाज और उनकी बेटी का ऑडियो भी लीक हुआ था जिसमें इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी की ओर से 5 कैरेट के हीरे की अंगूठी मांगे जाने पर बात सामने आई। अल कादिर ट्रस्ट में महज 2 ही ट्रस्टी हैं, इनमें से एक इमरान खान है और दूसरे उनकी पत्नी बुशरा है। इस यूनिवर्सिटी में 6 सालों के दौरान महज 32 ही छात्रों का एडमिशन हुआ था, जबकि यह यूनिवर्सिटी 90 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर के आने के बाद पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की। फैसल चौधरी ने बताया कि इमरान खान की गिरफ्तारी अल कादिर ट्रस्ट के मामले में हुई है। इमरान खान पर काफी वक्त से गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी, उन्हें पहले भी गिरफ्तार करने की कोशिश हुई थी, लेकिन इमरान खान बच निकले। और यह भी कहा जा रहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी को बहाना बनाकर शहबाज सरकार ने भी खूब माहौल बनाया है। इस बार पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बच नहीं सके, और पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तानी सेना को लेकर इमरान खान के बिगड़े बोल भी काफी ज्यादा चर्चा में, जिसे लेकर पाकिस्तान की सेना ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कानूनी कार्रवाई की धमकी दी थी, और सेना ने यह धमकी जनरल फैसल नसीर पर हत्या का आरोप लगाने के लिए दी थी। पिछले दिनों लाहौर की एक रैली में इमरान खान ने कह दिया था कि उनकी जान को खतरा है, उन पर हमले के पीछे जनरल फैसल नसीर है। मैं आपको इमरान खान का वो बयान भी सुनवाना चाहता हूं जिसे सुनने के बाद से ही पाकिस्तान की सेना लगातार भड़की हुई थी। आप खुद सुनिए। ये समझ जाए कि कौम का वक्त आ गया है कि बाहर निकलने का। मैं निकल रहा हूं, जान को खतरा है। दो दफा मेरे ऊपर कातिलाना हमले मारने की कोशिश की गई। मैं नाम लेता हूं, दोनों दफा इनके पीछे जनरल फैसल नसीर था। मुझे भी तो पाकिस्तान में इस वक्त हालात बेकाबू हैं। पाकिस्तान के कई शहरों में इस वक्त तोड़फोड़ की खबरें, आगजनी की खबरें आ रही हैं। मैं आपको सीधे पाकिस्तान लिए चलता हूं। बैरिस्टर वकास अवरेज इस समय पाकिस्तान से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वकास, पाकिस्तान के इस वक्त ताजा हालात क्या हैं हमारे दर्शकों को बताइए, और पाकिस्तान में जो तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं उसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए जी, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें मैं आई मस्ट से बंद थी कि जिस रिगार्ड के इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला है वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल भी साबित हो सकता है, एट द सेम टाइम हालात शायद उससे ज्यादा भी जो है वो तबाही बर्बादी के दहाने पे जा खड़े। वो कैसे,
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जब ये रिट पिटीशन दोबारा से फाइल की गई कि इमरान खान साहब जो है वो अदालत में आए थे कोर्ट से प्रोटेक्शन लेने टू सरेंडर हिमसेल्फ बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि उनको बारह अदालत में बुलाया जाता था, उन्होंने कोर्ट से ये इस्तदा की थी कि मेरी जो इन पर्सन अटेंडेंस है उससे मुझे एग्जम्पशन दी जाए और वीडियो लिंक पे मेरे बयान रिकॉर्ड करवा दिए जाए, मेरी जितनी भी अटेंडेंस है वो वीडियो लिंक के थ्रू या स्काइप के थ्रू या ई कोर्ट सिस्टम से इंश्योर की जाए। क्यों की जाए? क्योंकि उनको इस चीज की जॉपर्टी थी, हैजर्ड था, डेंजर था, रिस्क था, कहीं ना कहीं जब मैं अदालत में आऊंगा तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जब उनको एक मुकदमे में गिरफ्तार किया जाएगा तो 144 जो दीगर इनके ऊपर डेफामेट्री मुकदमा आते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुकदमा आते हैं, दहशतगर्दी के मुकदमा है, क्रिमिनल चार्जेस हैं, शायद तमाम के तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, एक ऑर्डिनरी पुलिस स्टेशन है, लोग उनकी गिरफ्तारी डाले, जब इतने केसेस में उनकी गिरफ्तारी होगी तो वकास मैं आपसे टेक्निकल पॉइंट भी समझूंगा। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में इस समय कैसे हालात हैं, पाकिस्तान में कितने नुकसान की खबर है, पाकिस्तान में कितने लोगों के मौत की खबर आपको मिल रही है? देखें अभी जो लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, कराची और पिशावर में महसूस, इन चार पांच जो बड़े शहरों के अंदर हालात जो है इंतहाई कसम पुरसी में है, गंभीर हो चुके हैं, बल्कि अहमद से बनती के कर्बनाक और अंदेशनाक हो चुके हैं। वो क्यों अभी, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि कल शायद पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो हॉलीडे डिक्लेयर कर दी जाए, वो इसलिए कि लोग जो है वो बहुत ज्यादा मुतशद्दिद नजर आ रहे हैं, हां साहब के साथ उनकी जो वो बस्तगी थी, जो उनकी लव एंड अफेक्शन थी, जो पॉपुलैरिटी की वजह से जो उनकी सपोर्ट में उनके वोटर्स थे, फैन फॉलोइंग थी, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं बड़े शहरों के अंदर जो है वो नजर आ रहे हैं, सड़कों के ऊपर एहतजाज करते हुए। लेकिन जहां तक छोटे शहरों की बात है, वहां पे जो पुलिस ने जो मुकम्मल तौर पर हालात को या लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो अपने कंट्रोल में कर लिया है, तो ये मां सवाए चार पांच छह बड़े जो शहर हैं वहां पे हालात इस वक्त जो है गंभीर नजर आ रहे हैं। लेकिन आई मस्ट से वन थिंग इन दिस रिगार्ड के इनको पहले भी जमान पार्क से मुतद्दद बार गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कारकुनान ने पुलिस को जो 9-2-11 किया। जी वकास, मुझे एक चीज और बता दीजिए, क्या पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की सेना आपस में आमने सामने है, इस तरह की कोई खबरें आपको है? देखिए दो चीजें हैं सरफराज इसमें, एक टेक्निकल चीज ये है कि कहा यह जा रहा है कि नैब की डायरेक्शन के ऊपर, क्योंकि नैब लॉ के अंदर ये एक रिटर्न प्रोविजन दी गई है कि जब नैब समझे या पाकिस्तान में कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या कोर्ट समझे कि किसी शख्स को हम गिरफ्तार करना चाहते हैं लेकिन उसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आएगी, कि वहां पर लोग रेजिस्ट करेंगे, तो वो क्या कर सकते हैं, वो रेंजर्स को असिस्टेंस के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप फलां शख्स को गिरफ्तार करें, लेकिन जो गिरफ्तारी की गई है वो प्रिंसिस से अगर की गई है तो ये एक तो कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल्स के अलावा, सेकेंडली जो आपने कहा कि अवाम और सेना एक दूसरे के खिलाफ है, अवाम को अगर ये नजर आया कि ये है तो अल्टीमेटली शायद ये भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी तक का जो तासुर बना है वो पीडीएम की हुकूमत के खिलाफ है कि हुकूमत ये कोशिश कर रही थी कि इलेक्शन को मजीद तवालत का शिकार किया जाए, इल्तवा में रखा जाए, इस पर्पज के लिए हां साहब को सबसे पहले गिरफ्तार किया जाए, जेल में रखा जाएगा, तो जो इलेक्शन का प्रोसेस 12 इन्होंने कहा अक्टूबर में करवाएं, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर की वायलेशन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये जो तमाम की तमाम मामला किए गए हैं इसकी कहीं ना कहीं इंडिकेशन जो है गवर्नमेंट के साथ भी एसोसिएट की जा रही है, और इनके लॉ मिनिस्टर की तरफ से भी ये कहा गया है कि ये जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई है, चूंकि वो हमारे बड़े सीनियर लॉयर भी हैं, बड़े भाई भी हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया कि कोर्ट प्रिंसिस में नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये नैब एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। वकास, पाकिस्तान में इस समय हालात बेकाबू हैं, लोग सड़कों पर हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, दफ्तरों को आग के हवाले कर रहे हैं, अगर ये हालात नहीं रुके तो क्या पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा एक्शन ले सकता है? देखें अभी सबसे पहले जिस चीज पे नजरें हैं तमाम लोगों की, पाकिस्तान की मीडिया की और हमारी लीगल फ्रेटर्निटी की, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पे जो कि सेव कर चुके हैं फैसला, और मेरे ख्याल में वो जो फैसला महफूज कर लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कुछ ही लम्हों में वो फैसला सुना भी दिया जाएगा, उसमें ये चीज को डिटरमिन करना था इस यास्टिक को कि आया कि ये जो गिरफ्तारी की गई है इन अकॉर्डेंस विद लॉ थी या नहीं थी, अगर ये अनलॉफुल हुई, इलीगल हुई, तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो मुकम्मल तौर पे ये हुक्म सादिर करने में हक बजानिब होंगे कि इमरान खान साहब को रिलीज कर दिया जाए, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो खान साहब को रिलीज करने के ऑर्डर्स नहीं देंगे, क्योंकि अगर नैब में उनके खिलाफ कोई भी इंक्वायरी पेंडिंग थी, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग थी, कंप्लेंट थी,
तो नैब लॉ के मुताबिक, चाहे ये मुकदमा झूठा हो, बोगस हो, फटीशियस हो, लेकिन लॉ ऑफ लैंड के तहत नैब कानून के मुताबिक नैब उन्हें गिरफ्तार कर सकता था। और हमने माजी में देखा शहबाज शरीफ साहब 131 दिन के लिए बिहाइंड दी बार रहे, मरीम नवाज साहब आ रही, इसी तरह इसहाक डार रहे, इसी तरह जो हाजिर साहब रफीक रहे। तो मैं ही समझता हूँ कि पहले भी हमने देखा कि बोगस मुकदमा थे, झूठे मुकदमा थे, लोगों को सफर करना पड़ा, और ये भी जो मुकदमा लग रहा है शायद इसमें भी किसी किस्म की सदाकत नहीं आती। पाकिस्तान के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उनकी नाराजगी देखने को मिली, उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों को कहा कि 15 मिनट में जवाब दीजिए नहीं तो आपके प्रधानमंत्री को बुला लिया जाएगा। ये सख्त नाराजगी थी, ये बहुत सख्त नाराजगी थी। वो इसलिए कि कोई भी शख्स अपने आप को कोर्ट के सामने सरेंडर करता है, कोर्ट की तहवील में देता है, वो कोर्ट से बेल लेने आता है, आप कैसे उस शख्स को कोर्ट के प्रिंसिपल में, कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में गिरफ्तार कर सकते हैं? ये कोर्ट की ताजीम, उसकी तकरीम, उसके तकद्दुस को मजरू करने के मुतरादिफ है या बराबर है? लिहाजा कोर्ट की तरफ से बड़ी क्रिस्टल क्लियर डायरेक्शन थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हाई कोर्ट जो इस्लामाबाद के आईजी हैं उनको भी तलब कर लिया गया, जो सेक्रेटरी दाहला है उनको भी बुला लिया गया, और एट द सेम टाइम कहा गया कि अगर आप लोग नहीं आएंगे तो हम जो है प्राइम मिनिस्टर को भी बुला देंगे, एट द सेम टाइम जो नैब के डीजी थे उनको भी बुला कर उनका भी मौकफ रिकॉर्ड किया गया। आखिरी सवाल मेरा आपसे जी, मेरा आखिरी सवाल है, चूंकि इस समय में दिल्ली एनसीआर में बैठे हूं, इंडिया में, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपको लगता है कि शहबाज शरीफ की सरकार इस पूरे हादसे को, इस पूरे मामले को, जितना गंभीर हो चुका है, उसको काबू कर सकती है? देखिए, मैं तो पहले दिन से इस चीज का कायल हूं और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरी राय है कि ये तमाम चीजें करने का कोई फायदा नहीं। जो चीजें करनी थी वो कि महंगाई कम करे, जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ थी, फंडामेंटल नेसेसिटी थी, उस पर इस हुकूमत को काम करने की जरूरत थी। चूंकि इमरान खान के जो 3 साल का दौरे हुकूमत था उसमें महंगाई बढ़ गई और शायद वो जितनी उम्मीदें थी, तवक्कात थी, जो बासबज बाग दिखाई गई, वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। तो ये हुकूमत आई थी कि हम वो तमाम काम करेंगे, लेकिन ये हुकूमत जो है इमरान खान साहब के पीछे पड़ गई, केस बनाने के पीछे पड़ गई, दहशतगर्दी के चार्जेस लगाने के पीछे पड़ गई और महंगाई बढ़ गई, सारे मामला खराब हो गए। तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब के लिए दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट चैलेंज पाकिस्तान के, वो अब हालात को कैसे कंट्रोल करेंगे, रेंजर्स को तैनात करेंगे। दफा 144 लगा दिया गया है और इसके बाद कल छुट्टी भी करने की बातें की जा रही है कि कल पूरे पाकिस्तान में। न्यूज इंडिया और मैं राष्ट्रीय आवाज के जरिए लगातार पाकिस्तान के मुद्दों को गंभीरता से उठाता रहा हूं। आप और आपके तमाम जो लोग हैं इस कार्यक्रम को बड़ा पसंद भी करते हैं, आपका फीडबैक मुझे मिलता रहता है। जो बात आप कह रहे हैं वही बात मैं राष्ट्रीय आवाज के जरिए, न्यूज इंडिया के जरिए लगातार उठाता भी रहता हूं कि पाकिस्तान के हालात जो बद से बदतर हैं, शहबाज शरीफ उस पर काम करने के बजाय नेतागिरी करने पर है, और उसका खामियाजा अब पूरा पाकिस्तान उठा रहा है। पाकिस्तान जल रहा है, लोग सड़कों पर हैं, हालात बद से बदतर हो चुके हैं। एक तो महंगाई की मार, पैसों का क्राइसिस, और ऊपर से पाकिस्तान के हालात और बुरे दौर में पहुंचेगा पाकिस्तान। देखिए जी, हालात तो इस वक्त बहुत ज्यादा गंभीर हैं, जो आपने बातें की इसमें कोई दो राय नहीं है कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बट वी आर लुकिंग, वी आर ग्लांसिंग एंड ग्लिंसिंग विद द होपफुल आइज एंड एगर हार्ट्स के हालात जो बेहतरी की तरफ जाए। हमने 2008 से लेकर 2013 के अंदर जो वर्स्ट हालात देखे, बिजली की लोड शेडिंग 18 घंटे थी, लोगों के कारोबार हर चीज जो थी वो डिस्टर्ब थी, लेकिन उसके बाद 2013 से 18 तक ये तमाम मामला से हम नंबर जमा हुए, बेहतर पाकिस्तान बना, एक रोशन पाकिस्तान। लेकिन फिर कोविड के बाद जो हालात बन चुके हैं, पूरी दुनिया ने सफर किया, और शायद मैं सबसे ज्यादा आपका प्रोग्राम देखता था जब आप हॉस्पिटल्स में जाके कोविड के अंदर जी न्यूज या दूसरे चैनल्स पे ये बात करते थे। आई वॉज वन ऑफ दी बेस्ट ऑब्जर्वर के जो आपके तमाम प्रोग्राम देखते, तो मैं समझता हूँ कि इंडिया ने भी सफर किया, पाकिस्तान ने भी सफर किया, लेकिन हमारा जो ये रजीम चेंज के ऑप्शन के बाद शायद पीडीएम की हुकूमत इन तमाम चीजों को उस तरह टैकल ना कर सकी, कॉप विद ना कर सकी, और शायद हालात जो इस वक्त मजीद बदतरीन होते जा रहे हैं। और इसकी बजाय मेरे पास वक्त की कमी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान के हालात नॉर्मल होंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले कई महीनों से लगातार मैं पाकिस्तान पर खबर करता रहा हूं राष्ट्र की आवाज के जरिए, इमरान खान की गिरफ्तारी की बात बता रहा हूं, पाकिस्तान के जो हालात बद से बदतर हुए हैं उसके बारे में भी बताता रहा हूं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं और मेरी पूरी टीम लगातार जिस खबर की बात कर रही थी, जिस पाकिस्तान के अंदर की खबर निकाल के हम आपको पहुंचा रहे थे, आखिरकार उस खबर पर मोहर लग गई और एक बार फिर से पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब है। और आमने सामने इस समय सेना और पाकिस्तान की पब्लिक है, आने वाले वक्त में क्या होगा, कुछ घंटों में क्या हो सकता है पाकिस्तान में, ये कोई नहीं जानता।
तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।